Salam, salam, Pakistan. Salam, 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 Pakistan. Pakistan, 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 Pakistan. Iski buniyadon mein tera lahu, main raha lahu. Isse teri aabru hai, isse meri aabru. दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है. तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है. इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है. ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाईस के. ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नव मखाइस के. सारी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद. हमारा परचम ये प्यारा परचम, हमारा परचम ये प्यारा परचम. ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम. इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं. साझी अपनी खुशियाँ, एक है हम एक है. इस परचम के साए तले हम एक है, हम एक है. राहे हक के शहीदों, तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम. वतन के जान सारों, तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम. तुम्हें वतन की हवाएं करे सलाम, करे सलाम. राहे हक के शहीदों, तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम. जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान. जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान. जीवे पाकिस्तान. मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए. सुने वाले सुने ने तो एक ही धुन ले. पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान. जीवे पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान. सलाम पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान. अबे बता तो सही है, खत्म. जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले द वन एंड द ओनली, हमेशा की तरह जवान सलीम जावेद भाई के लिए बहुत सारी तालियां. थैंक यू. मैं अचानक दौड़ता आया हूँ, चाय भी मैनेज करनी थी साथ साथ मुझे. बहुत अच्छा लग रहे हैं, कनाडा से वापस आए और मैं भी वहाँ था, मुलाकात ही हुई. यहाँ हो गई मुलाकात. सो जन आइए सलीम भाई, आइए. बहुत सारी तालियां एक बार फिर सलीम भाई के लिए. द
दुनिया क्रिकेट का, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि दुनिया स्पोर्ट्स के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक अब से कुछ देर बाद शुरू होने को है। सब ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे बारिश ना हो और इतनी बारिश ना हो जाए कि मैच मुतासर हो जाए, और अभी फिलहाल ऐसे मामला लग रहे हैं कि इंशाल्लाह मैच होगा और ज़ाहिर है जो अच्छी टीमों से ही जीतना चाहिए, लेकिन हम सबकी ख्वाहिश है कि उस अच्छी टीम का नाम हो पाकिस्तान इंशाल्लाह। और ये पहली मरतबा हो रहा है कि हम भारत के सामने एक वर्ल्ड कप में हम पहली मर्तबा इस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जा रहे हैं, जब उनके पास कहने को ये नहीं है कि आप हमसे कभी भी वर्ल्ड कप में नहीं जीते। पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को हराया नहीं बल्कि पछाड़ा, 10 विकेटों से हराया, 152 फॉर नन। सो लेट्स होप एंड प्रे इंशाल्लाह आज भी तारीख अपने आप को दोहराए। हमारे साथ बड़े जबरदस्त मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं कि जिनके साथ मिलकर हम मैच देखेंगे और बहुत मजा आने वाला है। कोई भी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक रस्म निभा लेता हूँ। सो हमारे यहाँ दाएं तरफ मौजूद हैं पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत जिनके नाम से आप सब वाकिफ हैं, जिनके सियासी राय से हो सकता है कुछ लोग इत्तेफाक करते हो, कुछ लोग इख्तिलाफ करते हो, लेकिन सब उनके जो अल्फाज का इंतखाब है, जो बोलने का अंदाज है, जो उनकी अप्रोच है, उसके हम सब मद्दा हैं, उससे हम सब बहुत सीखते हैं। लेकिन आपकी वजह से हम आ गए जनाब। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा बड़ी इज्जत रखी है। फैसल भाई के साथ उनका बेटर हाफ और ARY न्यूज का नागुजीर हिस्सा आप मॉर्निंग शो में इनको देखते हैं। आप लोगों की सुबह का आगाज इनकी आवाज और इनको देखकर होता है, बड़ा खुशगवार आगाज होता है। तो मदिया हमारे साथ हैं, मदिया नकवी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, ठीक ठाक है? हर लम्हा पुरजोश है ना आज का, तो जबरदस्त आज के दिन जोश नहीं होगा तो किस दिन होगा, जब पाकिस्तान में मुकाबला इंडिया और वो भी वर्ल्ड कप में। हमारा जोश तो फ्राइडे से शुरू हो गया था। हाँ ठीक बात है, बस अब जोश में बारिश होगी तो फिर जोश पड़ जाएगी, ऐसा ना हो बस, अल्लाह ना करे। और मदिया के साथ मौजूद है ऑफकोर्स अगेन ARY न्यूज का एक नागुजीर हिस्सा, और आप सब इनको अभी देखते हैं, इनको और मदिया को आप रोजाना इनके चेहरे देख के आपके दिन का आगाज होता है। अशफाक भाई हमारे साथ हैं, अशफाक सत्ती साहब, सर जी से ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, तैयार है? बिल्कुल जी, भरपूर तरीके इंशाल्लाह, जबरदस्त अभी लगती है गपशप। द वन एंड ओनली कामरान भाई हमारे साथ, कामरान अकमल साहब, जिनके बयानात ने अभी से ही जो है वो इंडिया में धूम मचाई हुई। कामरान भाई छाए हुए इंडिया के हर टीवी चैनल पे हेडलाइंस में, कामरान भाई तो अब आज का पसंद है, बहुत मुफामत पसंद है, बहुत स्टेटमेंट। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है ताकि वो जरा अपने कुछ, हम तो अपने कोई अपनी क्रिकेटिंग तज्जिए से बता रहा है, कोई अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहा है, ये जरा अपना जो टैरो कार्ड्स का जो सिलसिला है उससे बताएंगी कि इनको क्या हालात लग रहे हैं। तो उनसे आज हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियों में हमारे हल्लामा पुरजोश का बहुत पहले हिस्सा रही और फिर गायब गायब आती रही हैं, तो मुझे वो सारा पुराना वक्त याद आ रहा है। सो थैंक यू वेरी मच, मैं भी यहाँ पे आई हूँ तो वो पुरानी यादें हैं और पूरा पास जो है वो दोबारा से मुझे रिमाइंड हो गया। जबरदस्त। और हमारे साथ सलीम भाई तो हैं ऑफ कोर्स, और सलीम भाई के लिए तो सलीम भाई माशाल्लाह वैसे ही हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता खेलता और आपके बच्चे मुझे लगता है आपसे बड़े हो जाएंगे, आपने वही रह जा रहे हैं। इनका बच्चा ही तो नहीं आया हुआ। और हमारे साथ फैसल भाई, ये जो आदि भाई हैं, ये क्रिकेट की दुनिया में तकरीबन इनका कोई 1850 साल तजुर्बा है, शायरी की आप बात करें तो 2500 साल से जो है वो नस्ल दर नस्ल शायरी की गुंजाइश नहीं दे सकते, मजाक में भी नहीं, ये मार्जिन नहीं दे सकते। मैं आपको शेर सुना के बता दें फैसल भाई, वो खुद आप साबित कर दें कि आपका शायरी में कितना बड़ा। 6 बजे तक ट्रांसमिशन करनी, ऐसा ना हो ये अभी से मारना शुरू। इसलिए ये रिस्क हम 6:45 बजे लेंगे, ठीक है? और मुस्तफा भाई शोएब अख्तर साहब के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हाल है मेजान, कैसा मेजान? ठीक है, अफसोस इस बात से पहले सबसे पहले गुजारिश है, आपने मुझसे तू करके बात नहीं की। मैं स्टाइल है, मुझे एक बात समझ नहीं आती, इस कौम ने मेरी कदर नहीं की। अगर वक्त के ऊपर ये लोग डैम बनाते, मेरे घुटनों से जो पानी निकलता है स्टोर कर लेते। आज पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहे हैं, समाज आप भी अपनी बात ही कर रहे हैं। कुछ से कुछ नहीं, हुकूमत नलके लगा रहती यार। सर मैं आप बात करेंगे तो नहीं, एशिया में वैसे इतना पानी बैठे आपके सामने, आप इनसे मुतालबा कर सकते हैं। क्या कहे यार पाकिस्तान, मैं कह जान मारेंगे लड़के तगड़े। अच्छा, तगड़े लड़के, जान मारेंगे ये, जान मारेंगे। आपको उम्मीद है आज का मैच इंशाल्लाह? आज जीतेंगे, जीतेंगे। कितनी बारिश हो जाएगी, कितने मिलीलीटर पता नहीं, वो आया हुआ था फोरकास्ट, गैलन्स के अंदर मेरा पानी निकलता है घुटनों से, गैलन्स के अंदर। अच्छा, बिलीव गैलन्स के अंदर। ठीक है सर, अगर इजाजत है मैं पहले कमरान भाई से पूछूंगी। ठीक है भाई जान, ये बताएं, ये बात ठीक है कि टॉस जाहिर इंपॉर्टेंट होता है, ये कल मैंने उनसे पूछा
है फैसल भाई कि टॉस आज के मैच में इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो कहने लगे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टॉस नहीं होगा तो मैच नहीं होगा। तो वो तो है, लेकिन वैसे बताएं कि मैंने कुछ एक्सपर्ट से सुना कि टॉस उतना क्रूशियल आज के मैच में नहीं है जितना कुछ सीरीज में हो गया था पिछले वर्ल्ड कप में, कि जिसमें टॉस की बुनियाद पे ही अक्सर लगता था कि आधा मैच डिसाइड हो गया, ऐसे ही है? ऐसे ही है बिल्कुल, और मेरा नहीं ख्याल कि इतना फ़र्क पड़ेगा अगर टॉस जीतते हैं तो। मेरे ही तो कल भी मैंने रात को प्रोग्राम में कहा था कि पहले बारी करनी चाहिए, जो पहले बारी करी ओवर 160 करी है चेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा, तो पाकिस्तान के पास चांस होगा, प्रेशर मैच है। हाँ। उनको मजीद प्रेशर में लाए, स्कोर बोर्ड पे रन्स जब लगेंगे तो अंडर प्रेशर और होंगे, तो हमारी बॉलिंग स्ट्रांग है, हमें देखना चाहिए कि हमारी बॉलिंग स्ट्रांग है कि बैटिंग, इस वक्त बॉलिंग स्ट्रांग है, सही है, तो बैटिंग में रन्स करेंगे तो फिर बॉलिंग डिफेंड करके दिखाएगी, तो ये प्लान होना चाहिए। और बाकी दोनों टीम्स को हर वक्त ये भी ध्यान में रखना होगा कि कभी भी बारिश की वजह से मैच छोटा हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली खेलना होगा। ऐसे ही न्यूजीलैंड ने भी ऐसे ही खेला, इसलिए 200 रन ओवरकास्ट सी कंडीशन, लेकिन वो मोमेंटम उन्होंने बनाया, उसको सामने रखे मेरे ख्याल से गेम प्लान बनाना चाहिए। हम तो यहाँ बात कर रहे हैं, करनी उन्होंने अपनी ऐसी जितनी मर्जी गल कर रही है, सही है। तो उनशा जी आप बताइए कि हिसाब किताब टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं? पूरी ट्रांसमिशन करवानी है आपको, अभी से मैं बता दूं थोड़ा हमें पता तो लगे, अब फिर हम उसके हिसाब से माहौल बनाएं ना, ताकि ये ना हो कि हम बहुत बाजार माहौल बनाते हैं बाद में मसला हो जाए। अच्छा। तो थोड़ा सा हमें आइडिया तो देना, क्या आइडिया देना है कि टॉस कौन जीतेगा? चलो पहले टॉस का बता दें, इस तरह कर ले, चले नहीं नहीं जो सवाल करेंगे उसी का जवाब मिलेगा। टॉस का बता दें, चले आदमी भाई टॉस से आगाज कर ले, क्या पूछ ले कि मेरा पहले बेटा होगा या बेटी, जाती मसाइल नहीं, बाद में ये ब्रेक में मैंने आपसे कहा भी था ब्रेक में पूछेगा यार, मेरे ख्याल में ताश के पत्ते पीस रहे हैं। नहीं नहीं सर वो टैरो कार्ड सर क्या हो गया, टैरो कार्ड इज डिफरेंट गेम भाई, कार्ड अगर आवाज थोड़ी सी बढ़ा सके मेहमानों के लिए। कार्ड्स निकालने से पहले मैं ये पहले बता दूं कि सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। अच्छा प्रेडिक्शन है, ठीक है, वैसे भी कहते हैं ना कि गैप कर्म सिर्फ अल्लाह ताला को, बेशक बिल्कुल सही है। तो अच्छा अपने आप को सेव करते हुए पहले ही जी बिल्कुल। अच्छा भाई ये टैरो कार्ड्स निकल आए हैं। अच्छा अच्छा मैं कार्ड्स भी दिखा देती हूँ। हाँ। इंडिया के लिए जो कार्ड है वो डेथ का कार्ड है, और उसके बाद पाकिस्तान का जो कार्ड है वो थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो डेथ का कार्ड जो होता है वो मेजर अकैना का कार्ड होता है, तो मुझे लग रहा है कि टॉस जो है वो इंडिया की टॉस इंडिया जीतेगा आपको लगता है? अच्छा ओके लो जी। अब फिर अगला सवाल मैं डायरेक्ट मैच का ही कर लूं कि मैच कौन जीतेगा? नहीं ऐसा ना करें, आपने क्या अभी से मुझे भगाना है? आप चाहते हैं कि बस मैं अपनी सारी प्रेडिक्शन कर दूं और फिर आगे का उस वक्त पूछ ले। हां बैटिंग का बता दो, चलो ये बता दें मदिया के सवाल का जवाब दे दे, पहले बैटिंग कौन करेगा टॉस जीत के? अब दो लाहौर के लोग बैठे हुए हैं, अब तो आपको जवाब देने पड़ेगा। हां भाई अच्छा अब वो जरा चलो, इतनी रिक्वेस्ट आ रही है तो ठीक है कर लेती हूँ। बता दे बता दे। बैटिंग वाह वाह क्या वावा कह रहे हैं, मतलब आपको समझ आ रहा है? 6 बजे तक अपने कार्ड बचाना चाह रहे हैं, थोड़ा 50-50 कार्ड्स आए हैं, मैं कार्ड्स भी शो कर देती हूँ। तो टेम्परेंस का कार्ड है इंडिया के लिए, और जो पाकिस्तान के लिए जो कार्ड है वो टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो मुझे पाकिस्तान की टीम थोड़ी इंडिसाइसिव डबल माइंडेड लग रही है, तो क्या करेंगे फैसले ही नहीं करेंगे करते हैं। हाँ। लेकिन टॉस तो हम जीत ही नहीं रहे, तो डिसाइड तो उन्होंने करना है ना, हमने क्या करना। हाँ, लेकिन डबल माइंडेड ऐसे लग रही है कि हो सकता है कि वो जब टॉस हार जाए तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, अपसेट अपसेट हो सकती है ना टीम। अच्छा के किसी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम, तो बैटिंग कौन करेगा टॉस जीत के? देखें ज्यादा मुझे लग रहा है कि वैसे चांसेस ज्यादा इंडिया के, इंडिया के बैटिंग करने के चांसेस, इंडिया के बैटिंग। आपका कार्ड मिल जाएगा एक, क्या कर रहे हो, विजिटिंग कार्ड का बोल रहा हूं, विजिटिंग कार्ड ये क्या बातें कर रहे हैं भाई, ये भी पूछ रहे हैं पहले बैटिंग जो करेगी कितने रन बनाए। चलो जी ये बता दें। अच्छा सारे काम मैं कर लूं तो फिर आप लोग इतने सियासत में एक्टिव होने के बाद वाजिबी से रह गया है यानी अभी भी एक्टिव ही है? नहीं मैं तो आपको पता है थोड़ा सा खेलता भी रहा सियासत में एक्टिव होने के बाद, मैं सूबाई वजीर था जी, मैंने बाजू तोड़वा लिया था क्रिकेट खेलते हुए ही, उसके बाद फिर जहमत नहीं की, लेकिन देखने की हद तक भी है, खासकर पाकिस्तान की टीम लेटली
अच्छी थोड़ी सी बिल्टअप होना शुरू हो गई है तो इंटरेस्ट बढ़ गया है, देखते हैं पीएसएल देखते हैं, आपका शो देखते हैं, तो ये सारे के सारे काम करते हैं। लेकिन ये वाली बात थोड़ा सा, खैर कामरान तो एक्सपर्ट है, कामरान अकमल हाँ ठीक है, सॉरी तो कामरान नहीं पार्टी, लेकिन जो T20 है बहरहाल वो मकसद इट इज एनीबॉडीज गेम, सही है, और भारत की कोई छोटी टीम नहीं है, पाकिस्तान बेहतरीन परफॉर्म करेगा तो इंशाल्लाह जीतेगा। ये नवाज और आसिफ से कोई उम्मीदें हैं या बस ऐसी हैं आपके ख्याल में? सारी उम्मीदें उनसे ही हैं आज के सही है। इन दो में आपको क्या लग रहा है कौन ज्यादा बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए, नवाज और आसिफ में? नवाज ऑलराउंडर, नवाज ज्यादा बेहतर। आसिफ का ये तुक्का लगा नहीं लगा नहीं लगा। अच्छा ठीक है, यानी ज्यादा काबिल एतबार इन दोनों में नवाज ज्यादा काबिल आसिफ के मुकाबले? बिल्कुल, क्योंकि वो ऑल वेदर्ड ठीक ठाक तजर्बा है, ठंडे दिमाग से, ये नहीं कि बस आया। आसिफ कम सुन रहे हैं, जो वो प्रॉमिस करता है वो डिलीवर कर नहीं पाता, सब बात कह देता है, ये ठीक बात है। लेकिन ना लोग तालियां बजा रहे होते हैं लेकिन लोगों का अंदाजा होता है कि हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, अक्सर वो बेशतर नहीं हो रहा होता है। आज तवक्को है आज के बाद से कि कुछ वाकईतन मुल्क के लिए अच्छी इनिंग्स हो जाए उनकी। चलो ये अच्छी बात है, ठीक है, ये सारी गुफ्तगू में मुमासलत महज इत्तेफाकी है, तो जाहिर जो आप लोग सोच रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन हम टीम की बात कर रहे हैं जी भाई। अच्छा चलो तो हम जरा मेलबर्न चलते हैं, वो कह रहे हैं कि मेलबर्न में कुछ जरा पाकिस्तानियों ने, जाहिर 100,000 लोग तकरीबन वहाँ मैच देखेंगे और कई घंटों पहले लोग आना शुरू हो गए, जरा दिखाएं जी मेलबर्न में क्या माहौल है, वहाँ पे खड़े पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, दिखाइएगा जना। All the way from England to Melbourne, watch Pakistan versus India. Jazba barpoor hai. Inshallah, Pakistan will win. Very excited. Hamara dream jagah hai Melbourne. All of our life when I was young, hum intezar kar rahe the ki yahan pe game hoye aur dekhein. Team ko support karne ke liye aaye hain. The game happens. Pakistan will beat India. Pakistan jeetega. Ye gold medal hamara hai. हमारे जो दोस्त आए इंडिया से वो काफी प्रेशर में, एक एक करके आते हैं हमारे करीब, कोई बात नहीं, हम इनको टिश्यूज वगैरह दे देंगे मैच के बाद, इनके आंसू वगैरह हम साफ करेंगे, इनको गले लगाएंगे, भाई हैं हमारे। राइट जनाब, तो मेलबर्न में इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त माहौल है कि जहाँ पर पाकिस्तान और भारतीय शायकीन जो हैं वो एक हाउस फुल, जिसमें पूरे स्टेडियम में एक भी सीट एक्स्ट्रा नहीं है, दुनिया के बड़े स्टेडियम में से एक है, वहाँ पर सारे के सारे जमा हैं। क्या अशफाक भाई क्या लग रहा है आपको? मैं तो ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर बैटिंग पहले कर ले तो देट विल सूट अस, पुराना वाला रिकॉर्ड 10 विकेटों से जब हराया था हाँ। तो वो जहन में अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हर दफा वैसे नहीं होता और ओपनर्स आउट हो गए तो फिर क्या? ग्राउंड में वैसे चेस करने वाली टीमें ज्यादा जीती अब तक, ऐसे ही जीती है, लेकिन जो उस वक्त वेदर जरा देखना पड़ता है कि उस वक्त क्या वेदर था, उस वक्त गर्मी थी, बारिश थोड़ी ठंड है हाँ। तो बॉलर्स को हेल्प कर रही है और अंडर लाइट जरा मुश्किल हो रही है बैटिंग करना। लेकिन कामी भाई अब तो मिडिल ऑर्डर हमारा थोड़ा चल गया है ना अब तो? हाँ जी चल गया, वो पहुंच गया शालमी तक पहुंच गया। ये उधर का असर इधर भी आ रहा है। तो आपका क्या ख्याल है भाई, कौन से खिलाड़ियों से कुछ उम्मीदें हैं आपको? भाई बाबर ने जो इतने रन ना बना के जोड़े हैं ना, अल्लाह करे वो आज वो तमाम तर रन हमें नजर आए और अच्छे स्ट्राइक रेट से, सबसे पहले अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ साथ जब शान मसूद के लिए दुआएं जो कल उनको इंटरव्यू हुई थी और बाकी शान मसूद के लिए बहुत दुआएं इंटरव्यू जो हुई है, बाकी अल्लाह करे केएल जो है, जो राहुल है, रोहित शर्मा और ये कोहली और बाकी हार्दिक पांड्या, अल्लाह करे ना चले बस। मुझे यही मेरी दुआ है, वो झोले उठा उठा के दुआएं देंगी, इनके बल्लों में कीड़े पड़ रहे हैं, सूरत हाल ऐसी ही है, सूरत हाल ऐसी है, शायद ये भी उठ के जाएंगी उंगली रख के बताएंगे कल आदि की तरह। तो शोएब भाई अगर आपको जो है बाबर आजम को एक सजेशन देना हो तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? बॉलर नहीं है पास आए, बस स्पीड पेसर मेज रावलपिंडी एक्सप्रेस एक फास्ट बॉलर था, वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर, ये मैं कीपिंग किए हुए हैं, पूछे कितना तेज। मैंने सवाल क्रिकेटर का किया, उसमें भी आप अपनी बॉलिंग मेरी बात कर, तो मैं दुनिया का वर्ल्ड फास्टेस्ट, तू करके मुझसे बात, सर मैंने आपसे कहा था आप नहीं, प्यार है ये मेरा वसीम तुझसे प्यार है प्यार। मैं वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर था, मसले मेरे अलग थे, हाथ बाबर को क्या तजवीज है सर, मैंने ये पूछा था आपसे। मैं एक पहले बार अपना वाक्य बता दूं, फिर मैं बात, एक दिन मैं गेम गए, मेरा हाथ निकल गया यार, निकल गया मेरा हाथ, निकल गया बाउंड्री से उधर नहीं, और
जाती जाती मैं हाथ नहीं यूं करके कोई एक रिएक्शन बनाया, मैं अपने आप को ही दे रहा हूँ मतलब। अच्छा। उधर जा बाउंड्री के पास गया मेरा हाथ। अच्छा। वहां से फिर ले गया, लेकिन बाबा अच्छा खेल रहा, बहुत अच्छा खेला बाबा। आपने बाबा को किससे कनेक्ट किया मेरे सवाल? तगड़ा लड़का है, तगड़ा लड़का खेलेगा, जान मारेगा, बल्ला बैठ थे पास ऊपर अल्लाह नीचे तू जान मार। अच्छा, तू जीत जाएगा, तू जीत जाएगा। ठीक है सलीम भाई, आप बताएं भाई क्या आपको क्या उम्मीदें हैं भाई? यार मुझे तो बहुत उम्मीद है, क्योंकि किसी जमाने में सभी उम्मीद से नहीं, 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 किसी जमाने में हमें तो वैसे ही प्रेशर होता था ना फजूल वाला। अगर अब इस टाइम इंडिया पे जो प्रेशर है वो उनके पूरे मीडिया का है, सही है, तो वो इतने प्रेशराइज हुए हैं, हम तो आदी हो चुके हैं ना, हार भी हो चुके हैं बहुत दफा, सही है। तो इसलिए मुझे लगता अभी है नहीं, हमारी आदतें खराब हुई हैं जरा, नहीं नहीं, मगर अब इंशाल्लाह ताला हमारे जो कुछ लड़के जो है ना वो चल रहे हैं, और लड़के तगड़े हैं आपके ख्याल में? तगड़े, ठीक है। चले भाई, तो मैं देखा नहीं अभी जो पैकेज चलाया कि जितनी भी आवाम ऑस्ट्रेलिया में उनका मतीरा कितना ज्यादा है, उनका उनका जोश कितना ज्यादा है आप देखें कि सब लोग पहुंचे हुए, सुबह सुबह ही पहुंचे हुए, चिकन टिक्के और चिकन हांडी वगैरह सब खा के, बिल्कुल जोश। सही बात। तो जनाब आज सारा दिन नशरिया जारी रहेगी, पाकिस्तान में मुकाबला भारत, मुकाबला शुरू होने में तकरीबन 90 मिनट बाकी है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, दोपहर 1 बजे इस मुकाबले का होगा आगाज। अभी हम जाते हैं ब्रेक पर, ब्रेक पे जाते हुए बाबर आजम की बात हुई, शर्मा की बात हुई, तो आप कैप्टन वर्सेस कैप्टन एक पैकेज देखें और उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, देखिएगा जनाब बाबर वर्सेस इंडियन कैप्टन जनाब। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, किस बात की एक्साइटमेंट? पाकिस्तान इंडिया का मैच है, आप हमें नहीं रोक सकते। ये इस वजह से इतने खुश हैं कि सुबह सुबह बुला लिया इनको। अच्छा, वरना तो रोज रात में आते थे ये। मैं दिल कर रहा हूं मैं आपकी पप्पी ले लूं, आप इतने अच्छे लग रहे हैं। लेकिन आज आप देखें पाकिस्तान इंडिया का मैच अपनी जगह, आज मैं और तनवीर भाई साथ बैठे हुए, ये जिंदगी का बहुत बड़ी बात है। अब ये बड़ी बात है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद है, कितना बर्दाश्त करूंगा मतलब, मैं मतलब बात करते हैं जा नहीं रहे, यही वाली बात है कि सर अच्छा खेलें। हाँ। और अच्छे हम करें, क्रिकेट का और शायरी का आपस में कोई तालमेल नहीं, नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। शायरी नजाकत की बात है, क्रिकेट जो है वो जोश और जज्बे की बात है, तो मेरे ख्याल में नजाकत को एक तरफ होना चाहिए, जोश और जज्बे को एक तरफ होना चाहिए। और जोश जज्बे की बात करें तो आपको शोएब भाई को आपने देखा है, हम सबने जाहिर है शोएब भाई इतने पुरजोश हैं कि वो अक्सर और बेशतर मुझे भी खड़े होकर कराची के किस्से सुना रहे होते हैं, तो मैं कहता हूँ बॉस ठीक है, लेकिन यार अलकरम स्क्वायर में यूं और अलाजम स्क्वायर में यूं, मैंने कहा ओके यार शोएब भाई प्यारे आदमी है तो हम तो मोहब्बत करते हैं शोएब को, पता ही है वाली बात। मैं मुझे बड़ा अभी आपने कॉल की है शाहिद भाई को, मैं मुझे यूँ लगा कि आपने लखनऊ कॉल कर दी है। इतनी शुस्ता उर्दू की एक एक झलक आई है। लेकिन आपको भी उर्दू से शगफ है मतलब? मुझे बिल्कुल है, जैसे उन्होंने बताया मुझे कराची का बहुत पता है। अच्छा, मैं खुद सेक्टर इंचार्ज रहा हूँ। मैं अच्छा हाँ एम क्यू एम पिंडी विंग उसका बता। अच्छा। अब तो बहुत सारी हो गई, अब तो बाजराबाद अलग हो गई, हमारे टाइम पे एक ही थी सलीम जावेद को मैंने बड़ी कॉल किया कि आजा भाई कॉन्सर्ट है आजा। अच्छा। कोई मना नहीं कर सकता था। अच्छा। आप होते उस दौर में आपको बहुत बुलाते हैं। सही बात, ठीक है। भाई आप पता है फैसल भाई, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हैं तो आपके ख्याल में कितना टारगेट? नहीं नहीं, एनीथिंग अबव 160। वजह उसकी ये है कि इंडिया को सिर्फ अपने ओपनर्स का नहीं बल्कि उनके पास एक के बाद बैटिंग लाना, हमें 7-8 नंबर तक जो है उनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ है। हाँ। और पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर कुछ मैचेस में तो परफॉर्म किया है, अल्लाह करे शान मसूद खेलें अगर वो कुछ कर सकें, और खासकर फिर नवाज और आसिफ ये सब भी कुछ कर सकें, बट अगेन जितना तजुर्बा भारतीय टीम को है इस फॉर्मेट का वो बहरहाल हमें नहीं है, हमारी महदूद रही है क्रिकेट। सो आई होप कि हमारा मिडिल ऑर्डर प्रेशर ना ले और हमारी बॉलिंग लाइनअप जो है खासकर हारिस को एडवांटेज है, वो वहाँ खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जी एग्जैक्टली बिग बैश में खेलते रहे, तो आई होप कि हमारी बॉलिंग लाइनअप जो है वो जितना भी स्कोर हो उसको महदूद रखने की कोशिश करें। अगर हम बाद में बॉलिंग करते हैं और अगर पहले करते हैं तो जो पावर प्ले है उसमें जितने आउट कर सकें पाकिस्तान को उसका एडवांटेज।
जनाब थैंक यू वेरी मच। सो दुनिया क्रिकेट का ये सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान भारत मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड इस वक्त खचाखच भरा हुआ है तकरीबन 1,00,000 अफराद से और करोड़ हा बल्कि शायद अरब का अफराद है जो कि इस वक्त मुख्तलिफ मीडियम्स पर ये मैच देख रहे हैं। 3 मिनट बाकी हैं तकरीबन टॉस के लिए। यूनुस खान साहब इतने पुरजोश हैं कि पाकिस्तान का परचम जो है वो बाकायदा लहरा रहे हैं और मुसलसल लहरा रहे हैं। यही आलम बाकी सबका भी है। यहाँ पर शुएब भाई, शुएब जट साहब हमारे साथ हैं, ऑफ कोर्स नीड्स इंट्रोडक्शन, बहुत सारी तालियां शुएब जट साहब के लिए। और हमारे हर दिल अजीज हमारे भाई नजीब भाई के लिए बहुत सारी तालियां, वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। सर 2-3 मिनट बाद टॉस है, मैंने कामरान भाई से पूछा था, आप बताइए कि आपके ख्याल में, जाहिर है टॉस जीतना हमेशा एक अच्छी बात होती है, लेकिन ये कहना ठीक है कि इन इस मैच में पर्टिकुलरली टॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कहें कि जनाब बिल्कुल टॉस की बेसिस पे ही जो है ना मैच की डायरेक्शन डिसाइड होगी? ऐसे मैचों में टॉस जीतना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, टॉस हार जाए आप, वजह आप पे प्रेशर खत्म हो गया। अब होना क्या है कि जैसे माइकल क्लार्क की अगर हमने पिच रिपोर्ट देखी तो वो कह रहे हैं कि टॉस जीतें और रन करें और रिलैक्स रहें। सही है। और जब हमने पिच की, उन्होंने खुद ही कहा कि इस पे ग्रास है, एक दफ़ा बैट्समैन जब अंदर होंगे और टाइम लेंगे उसके बाद आपको फिर रन मिल सकते हैं, लेकिन T20 में कितना आप अंदर आराम से खेल सकते हैं। आप कह रहे हैं टॉस आप हार जाए, प्रेशर में ना रहे कि फैसला सही किया गलत किया क्या है। कल ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, टॉस जीता, बॉलिंग की 200 रन हो गए और वो सिडनी में था जहाँ की पिच के मुताबिक ये कहते हैं, हमने खुद भी वहाँ पे खेला हुआ है जो कि स्पिनर्स को और बैट्समैन को फेवर करती है। ठीक है, 200 रन और खुद कितने 89 रन से हार गए, 111 बनाए मेरा ख्याल है। इससे अच्छा है कि टॉस हारे, यहाँ पे रिलैक्स रहे। मेरे खास से देखे मुझे लगता है यही है क्योंकि पिच पे ग्रास है और का कंडीशन अभी तो नहीं है लेकिन पहली रही है, बारिश भी काफी हुई है, तो मुझे लगता है कि जो भी बैट्समैन वो जिस तरह कहते हैं वो जरा सिंपलीफाई कर रहे हैं चीज़ों को, कह रहे हैं बॉलर ने बॉल करनी है अल्टीमेटली, बैट्समैन ने बैट करनी है। जाहिर सी बात है प्रेशर का मैच होता है और दोनों टीम्स के ऊपर है, लेकिन बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि जिसका जो काम है उसको वो काम करे, 100% अपना दें, अगर आप बॉलर 100% दें, बैट्समैन 100% दें, बाकी जो रिजल्ट है वो आपके ऊपर नहीं है, जिसकी नसीब में जीतना होगा जीतेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें अब ख़त्म होनी चाहिए, टॉस जीतें पहले बॉलिंग करें, क्या करें, आप अपनी टीम को इतना तगड़ा करें हर शोबों में कि आपको ये चीज़ सोचनी ना पड़े, कि आप सोचें जी जो भी होगा हम उस हिसाब से चलेंगे। मैं ये समझता हूँ ज़रा सा डर होता है या कुछ ऐसी चीज़ें टीम के अंदर होती हैं कि आपको पता है कि हम लैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये चीज़ें मेरे ख्याल में सोचते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हम जिस तरह सोचते हैं जी पाकिस्तान टॉस हार जाता है तो क्या होगा, फिर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी पड़ेगी अगर वो पहले बॉलिंग करते हैं। फिर आपको हर चीज़ में पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। सही शुएब भाई, हमारी जो भी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस हैं सबके सामने हमने डिस्कस भी किया। नहीं नहीं सर, अरे दो हो गए सर, आप अगर ज्यादा देंगे तो हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को सामने रखते हुए आपका क्या ख्याल है कि हम पहले बैटिंग करें तो ज्यादा तगड़ी पोजीशन में होंगे या पहले बॉलिंग करें? तो देखिए मेरे ख्याल से टॉस इसलिए भी मैटर करता है कि आप जिनसे टकरा रहे हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो चेस करना है। अगर पाकिस्तान टॉस हार जाता है तो यकीनी तौर पे वो अगर चेस पे जाते हैं तो पाकिस्तान मुश्किल में पड़ सकता है। और ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि मेलबर्न में ड्रॉप इन पिचेस होती हैं, तो ड्रॉप इन पिच होगी तो यहाँ पे मेरे ख्याल से स्विंग से ज्यादा सीम काम करेगा, तो पाकिस्तानी बॉलर्स को ये भी देखना होगा कि उनको स्विंग इतना हेल्प नहीं करेगा जितना उनको सीम हेल्प करेगा। और अगर इंडिया चेस करने जाएगा तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं, तो अगर हम मुश्किल में पड़ेंगे तो बड़ा मसला होगा। हमने जो लास्ट दो मैचेस उनसे जीते हैं, चाहे वो 152 वाला हो या वो अभी एशिया कप वाला, हम चेस करने गए वहां पे तो हमने जीत लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर मर्तबा आप चेस करने जाएंगे तो जीत जाएंगे। उनका ये जो है ना वो एडवांटेज उनको रहता है, उनकी स्ट्रेंथ है चेस करना, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो है वो उनको चेस करने नहीं देना चाहिए। और नजीब इस ग्राउंड में भी जो पिछले 5 कंप्लीट मैचेस हुए उसमें चेस करने वाली टीम्स जीती हैं। लेकिन जो शोएब ने बात की है उसी से आगे लेके चलता हूं कि आपको अपनी ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ देखना बहुत जरूरी है। सही है। 2018 से अब तक 80% विन रेशो है चेसिंग गेम्स में इंडिया का। व्हेन दे आर चेसिंग वो 80% मैचेस जीते हैं। सब खबर यही है कि टॉस पाकिस्तान हार गया, इंडिया टॉस जीत गया और पहले बोल कर रहे हैं। नजीब ने जो फिगर्स बताए वो तो जरा, लेकिन आप कह रहे नहीं परेशानी की बात नहीं, घबराना नहीं, परेशानी की नहीं, घबराना तो वैसे ही नहीं चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में आप जब रहते तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है आप। सही है। उसकी वजह ये कि बहुत कुछ होता है ऊपर नीचे, तो घबराना नहीं है। देखिए एक बात तो हो गई, आप टॉस हार गए हो तो अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, आप जाएं, अब आगे देखें, आप अपना रन करें। मेरे ख्याल से अगर 150 रन के आउट होते हैं तो कोई मुश्किल टीम को, दूसरी टीम को डल सकती है, लेकिन इस वक्त अभी टॉस का मैटर नहीं होना चाहिए। सही है। टॉस सबसे पहले तो आपके हाथ में है नहीं,
सही। और मेरे ख्याल से ये अच्छा हुआ पाकिस्तान के लिए टॉस हार गए, तो अब बाद में जो भी होगा उसके लिए ये नहीं हो सकता कि हमने टॉस जीत के अगर ये कर लिया होता तो ये हो जाता, तो वो कर लिया होता, तो अभी बड़ा उस प्रेशर से जान छूट गया। आप जाएं अपना जो गेम प्लान आपने बनाया है सही है उस पर रहें और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें सही कि हम ये मैच जीत सकते हैं, क्योंकि अगर हम ओवरऑल बाउंड्रीज की बात करें, पिच की बात करें, पोर्टेबल पिच है इस वक्त, अच्छी बात यह कि पूरा मैच होने को जा रहा है, तो आपके पास पूरा चांस है कि जैसे माइकल क्लार्क ने कहा कि अगर मैं होता हूँ एज अ ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, रन ऑन द बोर्ड होते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा चांस होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है, आप जाएं अपना गेम प्लान जो भी है आपका, हम ये बात नहीं करें कि पावर प्ले कैसे खेलना चाहिए, उसके बाद अगले 8-9 ओवर कैसे खेलने चाहिए, उसके बाद फिर आप, हाँ ये हो सकता है कि अब जो टीम है हमारी, हाँ जो प्लेयर्स हैं, जो हमारे खासतौर पर जो हमारे बैट्समैन हैं, उनको वाइजली यूज करें, जो कि हमने रिसेंट पास में देखा है, जब मोहम्मद नवाज को हमने यूज़ किया, आसिफ अली को हमने यूज़ किया, इवन इफ्तिखार अहमद को हमने यूज़ किया, तो उन्होंने हमारे लिए बेनिफिशियरी हुए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर एक ही पैटर्न पे जा रहे हैं, अगर आउट हो रहे हैं तो बस वो उसी बैटिंग ऑर्डर जा रहे हैं, जो मैं इसके हमेशा खिलाफ रहता हूँ कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपकी बैटिंग होनी चाहिए। सही है, क्योंकि T20 में ऑन दी डे एक बैट्समैन आके 20-25 रन की इनिंग खेलते हैं और वो मैच जिता देते हैं। हमने नवाज को देखा, हमने आसिफ अली को देखा लास्ट वर्ल्ड कप में, कुछ हिट्स जो हिट्स लगती हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये करना है कि स्मार्टली ऑन रहना है, कैप्टन को भी, आपके मैनेजमेंट को भी, कि अब किसकी बारी आनी चाहिए। और एग्जैक्टली ये, क्योंकि आपके पास अगर हम बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उसके बाद शान मसूद और इफ्तिखार अहमद, ये ऐसे चार प्लेयर हैं जो कि ये किसी भी टीम होगा तो आपको वरी नहीं होने चाहिए कि 20 ओवर कैसे खेलेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका स्टाइल ये कि ये अपना टाइम लेते हैं और उसके बाद ये आगे जाके अपना शिफ्ट करते हैं अपने गियर को, बैटिंग को। उसके बाद आपके पास ऐसे ऑलराउंडर्स हैं, ऐसे हिटर्स हैं जो कि इसको कैश कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा है कि हम टॉस हो गए अब अच्छी प्लानिंग करें और हाजिर रहें, जिसका जो रोल है वो करेगा एज अ बैट्समैन, एज अ बैटर, तो मेरे ख्याल से रन 150-160 कहीं भी नहीं गए। सही कामरान भाई, अभी जब ये थोड़ी देर बाद मैच शुरू हो जाएगा, पाकिस्तानी बॉलर्स उतरेंगे ग्राउंड में, तो पहले के 6 ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इंडिया वो टीम है कि किसी भी और टीम से ज़्यादा इंडिया का फ़र्क है पावर प्ले के एवरेज का, जिन मैचेस में वो जीते हैं उनमें तकरीबन 55 का पावर प्ले का एवरेज है, जिन मैचेस में वो हारे हैं उनमें पावर प्ले का एवरेज 19-20 का है, किसी भी और टीम का इतना 35 रन का डिफरेंस नहीं है। तो ये जो आप अगले कुछ देर में जब बॉलर उतरेंगे तो शुरू के 6 ओवर्स बहुत क्रूशियल होंगे। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, T20 में फर्स्ट 6 ओवर्स बड़ा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट होता है, किसी टीम ने अगर टारगेट पहले बारी करनी है, टारगेट सेट करना है, और जैसी पिच है, बड़ा मैच है, क्राउड इतना आया हुआ है, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से जैसी उनकी बैटिंग लाइन है वो उस हिसाब से टारगेट सेट करना पड़ेगा। फर्स्ट 6 ओवर में डेफिनेटली विकेट चाहे 2 गिरें चाहे 3 गिरें, 45 प्लस रन होने चाहिए, 50 के करीब होने चाहिए। अगर स्टार्ट अच्छा मिल जाए, आउट ना कोई हो, तो फिर तो 50 प्लस होना चाहिए, 60 के करीब होना चाहिए, ये गेम प्लान है। देखिए ऐसी टीम को अंडर प्रेशर करने के लिए फर्स्ट 6 ओवर्स में ही साइड पे कर देते हैं, जैसे कल न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को फर्स्ट 6 ओवर्स में ही साइड पे कर दिया था, उसके बाद फिर वो मोमेंटम लेके गए हैं 20वें ओवर तक, वो मोमेंटम हम लोग पिछले पास में 7-8 महीने में ना आफ्टर 6 ओवर्स लूज कर देते हैं, 10 रन की एवरेज से हम लोग लेके नहीं चलते। ये भी एक मेरे ख्याल से बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान की टीम का, क्योंकि फॉर्म नहीं है मिड ऑर्डर की। सही तो है। इस वक्त मेरे ख्याल से ये देखना पड़ेगा, बाउंड्रीज लंबी हैं, बाउंड्रीज लगाएंगे तो ये ना सोचे कि हम मिड विकेट के ऊपर से मार देंगे, बड़ी हिट मारने जाना तो गैप को सामने रख के मारने जाना, क्योंकि इतनी पावर हमारे बैट्समैनों के मिड ऑर्डर में नहीं है, तो अगर मिस हिट भी हो 2 रन बने 3 रन बने आउट होने का चांस ना हो। और मैंने पहले भी कहा था बड़ा मैच है, ठीक है चेस करने वाली, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, बड़ा मैच जब होता है ना बड़ी टीम के साथ, आप रन्स बोर्ड पे लगाते हैं ना तो अगली टीम अंडर प्रेशर आ जाती है, और पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज कितनी जबरदस्त थी बाबर की टॉस पे, इससे पहले मैंने ऐसी बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी, जैसे वो बोल रहा था, जितना कॉन्फिडेंस लग रहा था उसको अपने पे अपनी टीम पे, तो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए। और बॉलिंग ऐसी है पाकिस्तान के पास, डिफेंड कर सकती है, ओवर 160 करना बड़ा ज़रूरी है इस वक्त। गेम प्लान क्या होता है, कैप्टनसी मैं फिर बोलूँगा बड़ी काउंट होगी, बैट्समैनों की अप्रोच कैसी होगी फर्स्ट 6 ओवर्स में, फर्स्ट 2 ओवर्स में पता चल जाएगा हम लोगों को घास, उस हिसाब से मेरे ख्याल से गेम प्लान होना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है कि बाबर और रिजवान की ज़ाहिर अब कारकर्दगी की सब तारीफ करते हैं, लेकिन सिर्फ उनका ज़ाती स्कोर अच्छा ना हो बल्कि स्ट्राइक रेट भी अच्छा हो, ताकि ये ना हो कि वो नॉट आउट भी हों, उनके अपने रन भी अच्छे खासे हो गए हों,
लेकिन जब तक वो आउट हो तब तक थोड़े से ओवर रह गए और फिर आप सारा ब्लेम मिडिल ऑर्डर पे डाल दें कि देखिए जिनसे फिर कुछ नहीं हुआ। देखिए इस चीज़ पे तो काफ़ी बहस होती रही है कि ये दोनों जो है इनका स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा स्लो होता है। अगर हम उनके माइंड के हिसाब से चलें वो ये शायद सोचते होंगे कि अगर हम दोनों आउट हो गए तो पीछे क्या होगा, काम खराब हो जाए। हम बेतहाशा मैचेस की बात कर सकते हैं कि ये दोनों में से कोई भी एक आउट होता है तो रन्स बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बड़े टोटल भी हमने वो चेस किए, इन दोनों ने रन्स किए तो हमने चेस किए। लेकिन अब थोड़ा सा आई थिंक माइंड को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इन दोनों को ये पता है कि मिडल ऑर्डर हमारा अच्छा नहीं है तो क्या स्ट्राइक रेट उसी तरह खेलना चाहिए? नहीं, सही आप है। अपनी क्रिकेट खेलें, आप अपने स्टाइल को चेंज करें, ये ना सोचे कि उनकी वजह से हम क्या आगे क्या होगा, स्लो खेलें। सर्किल का अब क्रिकेट ऐसी हो गई है, सर्किल का एडवांटेज लेना बहुत जरूरी हो गया। आपने अब हर टीम ये सोचती है कि हमने 200 रन तो करने ही करने। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अब जिस तरह मैं पहले बात की थी कि पाकिस्तान टॉस हारेगा तो क्या होगा, अब पाकिस्तान को बैटिंग करनी पड़ गई ना, अब हार गया है और बैटिंग है। पाकिस्तान को सिर्फ अपनी बैटिंग के बारे में थोड़ा सा सोचना है। अगर पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी हो जाए, पाकिस्तान ऐसी टीम है जो बॉलिंग है, ये टॉस जीत के बैटिंग ही हमेशा किया करेगी। ठीक है, चलिए जनाब, तजिया हमारा जारी है, नशरियात खुसूसी जारी है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पाकिस्तान में मुकाबला भारत, टॉस भारत जीत गया है, लेकिन अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। यूनुस खान के मुताबिक तो इट इज अ गुड टॉस टू लूज, देखते हैं आगे क्या होता है। नशरियात हमारी जारी है, छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। आप देख रहे हैं बड़ा मुकाबला, पाकिस्तान वर्सेज इंडिया। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और अब से कुछ लम्हों बाद वो लम्हा आने वाला है कि जिसको देखकर हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए क्या मंजर होगा जब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 1,00,000 बंदा खड़ा होगा और कौमी तराना बजाया जा रहा होगा। अब से कुछ देर बाद जैसे ही वो लम्हा आएगा, हम आपको बराह रास्त वहां पर लिए चलेंगे। कामरान अकमल साहब, सबसे हमने टीम्स पूछी थी कल, जब आपने अपनी प्लेइंग 11 बताई थी, आपने कहा था 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। बाबर से जब पूछा उन्होंने गेम प्लान, उन्होंने कहा हमारे पास 3 फास्ट बॉलर्स हैं। पिच देख के आपको क्या लगता है, आपके अभी भी वही राय है कि 4 फास्ट बॉलर होने चाहिए थे? जी बिल्कुल वही राय है, और पिच देख ली, अब पता चल जाएगा जब हमारी बॉलिंग स्टार्ट होगी। यही गलती इंडियन टीम ने भी की है, 3 पेसर है उनके पास। हाँ। लेकिन हमारी में बैटिंग लाइन की डेप्थ बहुत लंबी है। 8वें नंबर तक आप बैटिंग, जब पहले 7 ने नहीं किया तो 8वें नंबर ने आके क्या कर लेना तो ये भी एक सेन में था कि आप 5 बॉलरों के साथ जा रहे हैं, किसी एक को मार पड़ती है, छठी ऑप्शन वो होनी चाहिए। इस सेंस में कहा था, फिर 8वें नंबर पे 7-8 बॉल, एक ओवर खेलना होता है बैट्समैन ने, उसकी जगह आप ऑप्शन एक प्रॉपर चाहे बॉलिंग के साथ तो अच्छा, आपको क्योंकि उनके मिल जाता। उनकी बैटिंग लाइन अप बहुत जबरदस्त है, जैसे उनके बैट्समैन है, तो वो यहाँ पे स्पिनर्स का इतना काम नहीं होगा, नेवर नो, अल्लाह करे अच्छा करे, लेकिन जरूरत पड़ जाएगी हमें चौथे फास्ट बॉलर की। लेकिन काम यही जो बात आप कर रहे हैं, इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अश्विन को उन्होंने खिलाया है ऑफ स्पिनर के खिलाफ, बाबर इस साल स्ट्रगल करते रहे हैं, आप टीमों की अगर हम टीम यहाँ चला सकें तो अगर हम दिखा सकें तो आप बताएं कि कौन सी टीम इस वक्त अच्छी लग रही है, आप हमारे ग्रुप का, आप ग्रुप की तरफ हिस्सा हो। देखिए मुझे, मैं तो आज इस पे जाऊंगा कि पाकिस्तान मेरे लिए फेवरेट है, दोनों टीमों को अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया की टीम ऑन पेपर अच्छी नजर आती है, बिकॉज देयर टॉप बैटिंग हैवी, और ये जो उनके 4 बैट्समैन हैं ये बड़े कमाल हैं, और जिसमें प्रॉब्लम वही है कि सिर्फ उनको ये प्रॉब्लम है कि वो लेफ्ट आर्म फेसर पे थोड़ा फंसते हैं। अदर देन दैट, सूर्य कुमार यादव जिस तरह से खेल रहे हैं इस फॉर्मेट को बहुत, कितने फास्ट बॉलर हैं उनके पास? फास्ट बॉलर तो वही है उनके पास भी, उसी के साथ जा रहे हैं, 3 के साथ, और एक जो जैसे कामरान अकमल ने बात की थी ना, भाई उनके पास अब अगर पांड्या की बात करें, हार्दिक पांड्या, वो अब बॉलिंग कर रहे हैं और हमें शॉर्ट बॉल पे एक्सपोज करते हैं, अगर हमने अभी देखा एशिया कप में तो जो ये बात कर रहे थे एग्जैक्टली इनकी जो टिप्पणी ने दी थी ना कल, वो कहीं लीक हो गई पहले ही, इंडिया टीम के पास चले गई और उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया है उनके पास। अगर हम इस तो हमारे वालों के पास क्यों नहीं गई ये खबर, जब मैंने खबर निकली कमरान अकमल भाई ने जो ना उधर लीक कर दी, इधर नहीं लीक, हमारे वालों को वो तेरा विकी लीक हो गया मुझे लग रहा है। पहले कहा था कि हम जा रहे हैं मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम की तरफ, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का मंजर आप साथ साथ देखिए, मैंने और एनवायरनमेंट अमेजिंग है,
जितना क्राउड है हाँ। और शुक्र ये है कि शन शाए ना पूरा मैच होगा लेकिन हाँ। जो आपने बात की ना कि हम जो मर्जी बात कर ले मैंने कहा था हाँ। करनी उन्होंने अपनी पाकिस्तान का कौमी तराना पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों पूरी टीम की मौजूदगी में और अब से कुछ लम्हात बाद ही इस तारीखी मैच की पहली गेंद फेंक दी जाएगी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में तकरीबन अब से 5 मिनट बाद मुकाबले का बाकायदा आगाज होने को है वो लम्हात के जिसका दोनों तरफ के सरहद के दोनों तरफ के एक अरब से ज्यादा लोगों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट लवर्स को बल्कि स्पोर्ट्स लवर्स को इंतजार होता है वो लम्हा अब से कुछ ही सेकंड्स या कुछ ही मिनट्स दूर है और हमारी खुसूसी नशरियात भी जारी है शुएब जट साहब बताइएगा कौमी तराना हो गया है मैच का आगाज होने को है टीम सिलेक्शन में आपकी क्या ओपिनियन है मुझे पहले तो ये कहना पड़ेगा कि टॉस की वजह से 20% मैच तो आपके हाथ से जा चुका है ये अच्छा? मैं कम बता रहा हूँ आपको ये आपको मानना पड़ेगा ये हल्का रख के बता रहे हैं ये हल्का रख के कह रहा हूँ ये अच्छा? स्टैट्स आपको कहते हैं ठीक है मैं क्रिकेटिंग बात नहीं कर रहा मैं स्टैट्स को लेकर बात कर रहा हूँ कि 20% मैच तो आपके हाथ से चला गया लेकिन अल्लाह करे कि हम 80% जो मैच हमारे पास है उसको 100% की तरफ लेकर आ जाए उन्होंने इतना ही बच गया जी टॉस बड़ा क्रूशियल है बच्चों हम बात कर रहे थे स्टैट्स ये बताते हैं कि विन परसेंटेज चेसिंग वाइज इज 80% और जब वो पहले खेलते हैं तो 57% देयर इज अ 23% डिफरेंस इंडिया की अपनी परफॉर्मेंस से पहले और बाद में खेलते हुए ओके और इसी तरीके से जो हम एशियन की बात कर रहे हैं ना सिर्फ बाबर आजम नहीं पाकिस्तान पूरी टीम जो है स्ट्रगल करती है ऑफ स्पिनर्स के आगे रिसेंट आपकी न्यूजीलैंड से सीरीज हुई ब्रेसवेल वहां पे जो बॉलर था उसके खिलाफ आप चौका भी नहीं मार पा रहे थे 4 ओवर्स में गालिबन 12 या 13 किलोमीटर मसला यही है सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारे छक्के जो हैं वो नजदीक नजदीक आ रहे हैं तो अगर आप इस भाई अभी चले घर चले फिर आप जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें लेकिन ऑन पेपर जो भाई इस राउंड को जरा न्यूट्रल करें तनवीर भाई यार ऑन पेपर में ये बात नहीं है चले जाते हैं पर वहां पे देखिए बात ये इसका काउंटर ये है कि बातें तो सारी शुएब सही कर रहे हैं जो हमें चुभ रही हैं लेकिन सीन ये है कि इंडिया के साथ आपने भी अभी जो टकरा किया आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं वो आप पे डाल रहे हैं वो कह रहे नहीं अब आप जो कि बहुत अनयूजुअल है ऐसा पहले नहीं देखा मैंने कभी 51-49 सनी वास्ते ऊपर से प्रेशर उतार रहे हैं ये क्या घबराए हो तो बात ये है कि हमें भी पता है कि हमारे बैट्समैनों को प्रॉब्लम है सब कुछ है भाई थोड़ा सा सपोर्ट करें थोड़ा सा सपोर्ट करें मैच शुरू होने से पहले उसमें ये प्रॉब्लम है उसको ये प्रॉब्लम है ऐसा नहीं होना चाहिए सबको पता है कि ये चीजें हैं अच्छा मुझे एक चीज से डिस्कस कर रहे हैं हम बड़ी आसानी से एक चीज कह देते तो कौन नहीं करेगा अपनी टीम में यार अच्छा अब पाकिस्तान सेकंड बॉलिंग करेगा हम बहुत आसानी से कहते हैं इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है वो भाई अगर इंडिया की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है तो हमारी बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग है हम भी उनको पकड़ सकते हैं हम भी उनको पकड़ सकते हैं ऐसा नहीं है आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं अगर हम रन्स करेंगे तो हम भी उनको पकड़ सकते हैं ऐसा नहीं है यहाँ तो ऐसे बात हो रही है जैसे पता नहीं घर चले जाते हैं हम तो खेलते ही नहीं है हमें ज्यादा सब कुछ पता है मैं इत्तेफाक भी करता हूँ और ये रिकॉर्डिंग रख ले रिकॉर्डिंग रख ले ये क्या बात होती है मैं इससे बाहर क्रिकेट से हट के बात कर रहा हूं मैं करने लगा हां मुकाबला यहां भी स्टार्ट हो चुका है कैमरा लगभग क्रिकेट से हट के एक बात करने लगे ये मैं कहने लगा हूं ये जिन्होंने स्टेटमेंट 4-5 दिन पहले दी है ये एनवायरमेंट उन्होंने देखा लोगों का फैंस का क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान की देखना चाहते हैं सही कि शायद कैसा इससे थोड़ा सा मैसेज उनको मिल जाए कि कितनी जरूरत है इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होने ये हुआ बात से हटके बात नहीं थी कामरान भाई जब भी कोट पहन के आते हैं बहुत अच्छा था इसका यार कमरान आप जब भी कोट उतार के आते हैं कसम से बड़े खुश लगते हैं अब तक जो है वो 4 गेंदे इस मैच की और जाहिर है हम आपको जो है वो साथ साथ कॉमेंट्री तबसरे तजिए ये सब कुछ जारी रहेंगे और पहला जी जी पहले ओवर में पता चल गया कि फास्ट बॉलर कितने इंपॉर्टेंट है अभी 4 बॉल हुए हैं और इवन बाउंस नहीं आया थंब पे लगा हाथ पे तो इस सेंस में मैं कह रहा था जितना घास भी था मेलबर्न की पिच हमेशा स्पोर्ट करती है फास्ट बॉलर हमारी टीम चेंज नहीं हो सकती है अब मुझे पता नहीं होता नहीं अपनी राय तो अपनी राय भी चेंज नहीं हो सकती है ना भाई राय पे बंदे को कायम रहना चाहिए अगर अगर वो सही समझता है हमारे 3 उनके 4 पे भारी हैं ये मानते नहीं मानते नहीं मानते मैं पागल नहीं है ही वांट्स टू बिलीव इट बट ये जबरदस्ती स्टेटमेंट दिया पहले नहीं दिया था 32-42 क्या पहला ओवर जो है वो मेडल की तरफ बढ़ रहा है ये हम देखते हैं 5 गेंदें इस ओवर की फेंकी जा चुकी हैं ये आगाज
एक ओवर मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल पांच गेंदें अब तक जो है इस मैच की फेंकी जा चुकी है और पाकिस्तान इज येट टू स्कोर। वसीम भाई अब देखें, अब कंडीशन को असेस करना, पिच को देखिए, अब माइंड में टारगेट कितना, बाबर आजम कप्तान है, अंदर खेल रहा है, तो बाकी बैट्समैनों को ड्रेसिंग रूम में मैसेज भिजवाना चाहिए एक ओवर के बाद, पता चल जाता हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, जब बैटिंग हमने क्या ना डिफेंड करना, फिर जाके मेरे ख्याल से काम होते हैं तो गेम प्लान होते हैं। तो पहले ओवर से पता चल गया कि बॉलर्स को कितनी हेल्प कर रही है, तो ये सारी चीजें बताने वाली होती हैं। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि अब जिस तरह बॉल स्विंग सीम हो रहा है कि 170 160 की तरफ ना ज्यादा पहले 150 की तरफ जाएं, पहला ओवर हो गया ना उसके बाद पहले 150 की तरफ जाएं। यूनुस भाई ने ब्रेक में कहा कि अब टीम को ये सोचना चाहिए कि 150 की तरफ ये जाएं टारगेट अचीव कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यूनुस भाई खुद आपको इनवाइट कर रहे हैं, मैं भी ये कह रहा हूं पहले 150 की तरफ जाएं, फिर आपका हाथ सेट हो जाए, फिर 200 सीसी पे 250। ओ भाई ये रन्स की बात हो रही है, ऐसे ही होता है, इसकी बात 150 पे जाते हैं ऊपर जितने रन हो जाए ना फिर वो प्लस हो जाता है, वो हमारे बाइक की मुझे पता है, वो बाइक की बात कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से 42-33 का रेट, ये रन्स की बात हो रही है, मैं तो पेपर नहीं दे रहा हूं अभी, इन्होंने कहा है तो यार। अच्छा इन्होंने कहा, मैं तो बिरयानी की बात कर रहा हूं। कितने स्कोर एक बेहतर स्कोर होगा आपके ख्याल में? देखिए मेरे ख्याल से अगर ये 140 भी कर लेना तो उसके आगे ऐसे नहीं खड़े होके वो स्कोर बोर्ड लगा हुआ। अब तक वसीम जितनी सिचुएशन बन चुकी है ना जी, 8,000 रन भी करें जब भी हमारा नहीं है तो हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, खुश नहीं हो रहा। दुआ करो, दुआ करो। लेकिन मेरे हिसाब से जो बॉडी लैंग्वेज है मुझे लगता है इंडिया जो है वो टॉस जीतेगा और बॉलिंग की तरफ जाएगा। अच्छा किस तरफ जाए? बॉलिंग की तरफ जाए। वो तो चला गया, एक ओवर पड़ गया भाई, तो उस वक्त पूछ रहा था ना मुझसे। अच्छा भाई जान पहले ओवर में तबसरा फरमाइए शोएब जट साहब। मैं बल्कि अपने पूरा नाम लेना पड़ेगा वरना वो शोएब बोलना शुरू कर देगा। ये मतलब ये मैं कामी भाई से पूछना चाहूंगा, विकेट के पीछे भी रहते हैं और यूनुस भाई इसमें ऐड अगर कर दें, हम बात कर रहे हैं बिल्कुल हमारी बॉलिंग बड़ी अच्छी है, पाबंदी है मुझे ऐड करने में यार। एक अच्छी बॉलिंग जो है वो एक अच्छी बैटिंग के मुकाबले में होगी, लेकिन क्या दूसरी विकेट में जो पिच है इतना जूसी होगा कि हमारे बॉलर्स को उतनी हेल्प मिल सके जितनी हमें पहले में मिलती रही है? हम जो दो मैचेस जीते हैं मैंने आपको वही बताया कि हमने पहले बॉलिंग की जूसी विकेट मिल गई, क्या दूसरी विकेट में इतना जूस मिलेगा हमारे बॉलर्स को? इतना जूस मिलेगा भाई, जूस मिलेगा। पहले आपसे पूछा ना, मैंने कहा आप ऐड कर दिए और पहली गेंद पर बाबर आजम को आउट करार दे दिया है एम्पायर ने। मुशावरत हो रही है अभी कि इस पे एक रिव्यू लिया जाए या नहीं, ले लिया और रिव्यू ले लिया है। पहली ही गेंद जो बाबर ने खेली है उसमें बाबर को आउट करार दे दिया है एम्पायर ने, और बाबर आजम और रिजवान ने मुशावरत के बाद इस पे रिव्यू ले लिया है। सो अगले कुछ लम्हात में ये पता लगेगा कि पाकिस्तान की बैटिंग के लिए अच्छी या बहुत बुरी खबर तो नहीं है, खुदा ना खास्ता। आउट हो गए तो फिर वो 7 गेंदों में 0 रन और एक खिलाड़ी आउट करार दे दिया गया है। ये आउट हो गया तो फिर सारा जूस निकल गया, फिर तो सारा जूस जिसकी बात हो रही थी वो जूस निकल गया है। नो डाउट, नो डाउट भाई, क्या लग रहा है आप लोगों को? नो डाउट है, प्लेट ना हुआ तो फिर आउट ही लग रहा है, अंपायर ने आउट दिया हुआ है तो शायद अगर क्लिक भी कर जाएगा तो अंपायर कॉल आ जाएगा। आप लोगों को आउट का ज्यादा चांस लग रहा है जी, क्योंकि प्लेट ना हुआ तो जब अंपायर आपको आउट दे देते हैं तो अंपायर कॉल आके और हल्की सी भी लेकिन ज्यादा इम्कान यहाँ पर स्टूडियो में ये है इस बात का कि बाबर आजम आउट हो जाए। नो डाउट, आप देखें बॉल कहाँ पड़ी है, क्या देखूं वो पता करें बॉल कहाँ पड़ी है। ये बिल्कुल सही कहा आदि भाई आपने, बिल्कुल सही कहा, इंपैक्ट देखना पड़ेगा पिच कहाँ पे। यार कमाल है आपने, मैं यहाँ मुफ्त में नहीं बैठा हुआ, पैसे लेकर ये भी देखना पड़ेगा कि बहुत इस वक्त नाजुक लम्हात हैं इस मैच में पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बाबर आजम को एम्पायर ने आउट करार दे दिया है और उन्होंने रिव्यू ले लिया है, और यूनुस खान अब मजीद शोर हो गए, तनवीर को मजीद यकीन हो गया है कि बाबर आजम आउट हो गए हैं। ऑफिशियल डिसीजन अभी आ जाएगा रिव्यू का, यहां बैठे खिलाड़ी कन्विंस हैं कि बाबर आजम आउट, और ऐसा ही हो गया है। बाबर आजम पहली ही गेंद पर जो उन्होंने खेली है आउट होकर पवेलियन में वापस जा चुके हैं। सो स्कोर बोर्ड पर इससे बुरा स्कोर नहीं हो सकता था जो कि इस वक्त है। 7 गेंदों का सामना किया है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने, 0-1, और वो वन कौन है? वो है पाकिस्तान के वो जिन पर सबसे ज्यादा पाकिस्तान इंतजार कर रहा था। भाई बाबर आजम आउट हो गए, पवेलियन वापस जा
चुके हैं। देखें ये तो ये, हमने तो पहले कहा था कि ये हो सकता है, तो इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। आपके पास एक बड़ी सी बैटिंग ऑर्डर है, आप शान मसूद आएंगे और वो जो इस कंडीशन में एज अ ओपनर वो खेलते हैं उसको शान आप यही समझेंगे मैं ओपनर आया हूँ। हाँ यही समझें और जाके अपना टाइम लें। और मेरे ख्याल से ज़्यादा 170-180 की तरफ नहीं जाना चाहिए, 150 के पास पहुंच जाएं। हाँ। जैसे और फिर वहां से अपना स्कूटर, उसके बाद फिर जो है स्कूटर पे कौन सा जाना है, 125 पे जाना है, पहले 150 पे जाएं, 150 पे जाएं और फिर उसके बाद 175 पे जाएं और फिर 200 पे जाएं। अच्छा जी, फिर 200 पे बैठ जाएं। भाई तनवीर भाई ये क्या अब क्या है मतलब? देखिए जिस तरह बॉल स्विंग हो रहा है तो अल्फाज ही खत्म हो गए, तो ये उस हिसाब से हम ये नहीं सोच सकते कि हम 150 तक भी शायद जाएं। जिस तरह अभी कामरान ने बात की थोड़ी देर पहले कि आपने अब सिचुएशन के हिसाब से चलना है, विकेट इन हैंड रखनी है। हाँ। लाजमी नहीं है ये, अब जिस तरह बॉलिंग हो रही है इसमें हम ये नहीं उम्मीद कर सकते, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं दुनिया की कोई सी भी टीम खेलेगी 6 ओवर में 50-60 रन कोई नहीं कर सकता इस पिच के ऊपर। आप 25-30 रन बेशक करें लेकिन विकेट इन हैंड रखें। सही है, रन्स अगर 140-145 भी हुए तो इंडिया के ऊपर प्रेशर होगा, उनको भी पता है कि इस पे नया बॉल खेलना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर 140-145 रन हम करते हैं और इंडिया के ऊपर से आउट होते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर आ सकता है। चलो ब्रेक लेते हैं, सामने खेल तो ज्यादा अच्छा होता है जहाँ स्विंग हो रहा होता है, तो मेरे ख्याल से बाबर से ये गलती हुई है। इतना बैट्समैन है उसको देखना चाहिए था अर्ली ऑन क्रॉस ना खेलता, क्या ख्याल है यूनस भाई? ठीक है चलो भाई ब्रेक लेते हैं और जो है वो साथ साथ कॉमेडी का तड़का भी जारी है, क्रिकेट की तजिए भी जारी है। क्रिकेट के बेहतरीन तजियों के लिए आदि भाई हमारे साथ मौजूद हैं, साथ में शायद नजीब भाई, शोएब भाई भी शायद थोड़ा सा ऐड कर दें। हाँ। लेकिन जाहिर असल तजिया जो तालीम मैं फैला रहा हूं ये आगे फैलाएं, मैं नोट करता जा रहा हूं। अच्छी बात है, एक ब्रेक लेते हैं, खुसूसी नशरियात देखते हैं क्या होता है, ब्रेक के बाद आते हैं वापस।